मैं तुम्हें मस्त चीज दिखाता हूँ, पता नहीं कैसे जाऊँ मैं वहाँ। गोल्ड निकल रहा है हमारे खेतों से, गोल्ड। ये देखो आज के बच्चे स्कूल फ्री फायर खेल के जाते हैं और हम टीवी देख के जाया करते थे। कूल ब्रो कूल। For so long, कट लो पहली गली से। I was living my life, was so wrong. What's up everybody, welcome to another vlog. तो पता कल रात को मैंने सौरभ के घर पे स्टे कर दिया था, वो वजह पता है क्या थी? कोई है मेरे पीछे? नहीं कोई नहीं है मेरे पीछे, साइड में बटन था, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। कल रात को पता है मैं उसके घर इसलिए रुक गया था क्योंकि कल रात को आया था बाघ। नहीं कल रात को नहीं आया था बाघ, बाघ आया था परसों रात को, तो उसी के डर के चक्कर में उन्होंने मेरे को पता वहीं पर रोक लिया। अब यहाँ से निकलो नीचे जल्दी जल्दी, ये पानी गिरता ही रहता है हमेशा। डब्बे हैं यहाँ पे, कोई आया था शायद, या तो अभी भी होगा जो भी आया है। अब तीनों में से कहीं से भी पानी नहीं गिर रहा। पहले फोन करेंगे चार्ज। ये हमने ऊपर वाली छत में तो बिछाई रखे हैं लेकिन दादी ने ना यहाँ पे बिछा दिया है, अब पूरी की पूरी छत भर चुकी है। सर यहाँ पे नहीं है, बस यहीं यहीं पे। बंदर की टेंशन नहीं क्योंकि सिक्योरिटी हमारे पास, जेड प्लस सिक्योरिटी। जैकी कहाँ है? जैकी ले। सारे के सारे चले कहाँ गए? जैकी तुझे पता कहाँ गए सारे के सारे? अभी पता है यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शाम के 4-5 बज रहे हैं। एक्चुअली पता है मेरे को ये कैसे फील हो रहा है क्योंकि मैं सुबह 8 बजे उठ गया था और उसके बाद पता है मैंने करीब 9 बजे अपनी एडिटिंग चालू कर दी और यहाँ पे मौसम काफी ठंडा हो रखा है और मैं अभी रजाई के अंदर बैठ के अपनी एडिटिंग ही कर रहा था, तो मेरे को उसी समय फील होने लगा, ऐसे लग रहा है यार कि 4 बज चुके हैं शाम के या 5 बज चुके हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है तो मैंने सोचा कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं। और वो जुगाड़ पता कौन सा है? दादा चाय है? बना देना फिर दादा थोड़ी देर में। है? मैं हूँ ना। ना कोई नहीं है। ओ यहाँ पे भी लगा दिया, इनको ले चलता हूँ मैं अंदर। आज पता है मेरे को लाइट का पंगा लग रहा है, कोई नहीं फिलहाल तो एडिटिंग करने चलते हैं यहाँ पे। दादा लाइट तो पंगे कर रही है आज। हाँ वहाँ सीन ना हो गया। कोई नहीं यहाँ पे आऊंगा मैं बाद में चेक करने, यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं है। लाइट ही नहीं आ रही यहाँ तो कमाल है। यहाँ से पता चलेगा अगर यहाँ पे तेज लाइट आ रही होगी तो मामला गड़बड़ा बार। A few moments later. अरे वाह लाइट आ गई। सबसे पहले पता है मैं फोन चार्ज लगाऊंगी क्योंकि पता है लाइट बड़े पंगे कर रही है। इसके बाद चली गई ना लाइट, सीन हो जाएगा फिर। अब कौन आ गया यहाँ पे? जैकी क्या देख लिया तूने? अब ऊपर कुत्ता है, उसको देख के भौंक रहा है। आप ऊपर थे क्या? मुझे लगा आप वहाँ पे गए हो पानी में। दादा एक मिनट रुको। है ये दे देता हूँ मैं दादा को, लेते हुए जाएंगे। कहाँ पे हो आप? वहाँ पे हो? लो ये ले जाओ दादी के लिए, ये फ्रूटी है। हाँ दादी तो आई गई यहाँ पे। आ जा दादी। इसको यहीं पर रख देते हैं फिर, अब किसी काम का नहीं है। तो मैं पता है मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात पता है क्या है? कल मैं बंदे के घर पे गया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा ना बंदे के, तो बंदे को कॉल आता है। तो फिर कॉल पे पता कौन सी बात चल रही थी? कॉल पे बात चल रही थी यूट्यूब चैनल बेचने की। तो सौरभ है ना जो मेरा कजन है, तो पता अपना यूट्यूब चैनल बेच रहा है। उस बंदे के चैनल पे पता 28,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तब भी बेचने की सिंपल सी वजह पता क्या? क्योंकि उसका चैनल पता मोनेटाइज नहीं। अगर उसका चैनल मोनेटाइज होता तो वो पता अपने चैनल को बेचता नहीं। और वैसे पता वो अपना चैनल बेच रहा है करीब करीब 12,000 रुपए में। और उसने जब एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना अपना चैनल बेचने से रिलेटेड, काफी सारे बंदों को उसका कॉल भी आया, लेकिन कुछ बंदे कह रहे थे 10,000 में, कुछ बंदे कह रहे थे 7,000 में। तो पता है अभी तक उसने अपना चैनल इस चक्कर में बेचा नहीं। फिर मैंने भी काफी जगह कॉल लगाई लेकिन मेरे भी कनेक्शन और रिलेटेड में ना कोई ऐसा बंदा नहीं था जो चैनल खरीदे। तो यही चक्कर है, बंदे की डील ना अभी स्टक हो रखी है। और मैं पता बंदे का चैनल खरीद तो लेता, दिक्कत पता है क्या है? मेरे पास ऑलरेडी 4 चैनल है और फिर मेरे को पता है कोई 5 और टॉपिक नहीं मिल रहा। मेरे पास 5 और टॉपिक है चैनल खोलने के लिए लेकिन मैं अभी नहीं खोलूंगा, मैं खोलूंगा काफी लेट में जाके। और मैं पहले बता चुका हूँ बंदे का चैनल क्यों मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि बंदे का चैनल है रीयूज कंटेंट। एक्चुअली में बंदे ने जब अपना यूट्यूब चैनल खोला था ना तो उसको पता था उसका चैनल कभी मोनेटाइज होने वाले नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें पता है कोई इंस्टाग्राम से डाउनलोड करता था, कोई यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाला करता। तो शॉर्टकट से उसको सब्सक्राइबर तो मिल गए और वॉच आवर भी बढ़ गए, लेकिन एंड क्या हुआ? सारी की सारी मेहनत बेकार। और कमाल की चीज ये, जो भी बंदा उसका चैनल लेगा ना, पहले तो उसको उसके चैनल में से 600-700 वीडियोस प्राइवेट करनी पड़ेगी, तभी जाके पता वो अपना चैनल मतलब सही से चला सकता है। लेकिन पता सबसे खतरनाक बात ये है कि सोचो एक बंदे ने चैनल ले लिया, चैनल लेने के बाद भी उसने सारी की सारी वीडियोस तो प्राइवेट कर दी, मान लो सब्सक्राइबर रहेंगे, वॉच आवर्स गायब हो जाएंगे। और वॉच आवर गायब होने के बाद पता है जो भी बंदा उस चैनल को लेगा उसको पता है जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर रहेंगे लेकिन फिर भी एक तरीके से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है जो भी बंदा
उसके चैनल को खरीदेगा ना, उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज बंदे का कंटेंट मस्त होना चाहिए, तभी जाके बातचीत बनेगी। वैसे पता मैं उसका चैनल ले लेता अगर मेरे को ये वाली बात पहले पता होती, करीब 4-5 महीने पहले, तब मैं ले लेता उसका चैनल, फिर मेरा भी थोड़ा जुगाड़ हो जाता। रखना क्या है, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सूखना तो वैसे भी है, सूखना वैसे भी है, तो मैं ले आऊं जो सूखे हुए हैं ऊपर। क्या पछाड़ जाना तीन? हाँ हाँ, सूखे हैं वही तो लाना है नीचे, और क्या करना। पहले ये साइड में कर ले, मैं जाता हूँ ऊपर। है दादा, आप हर काम में ऐसे ही कहते हो यार। दादा भी भयंकर करने नहीं देते। किसको रख गया वहाँ पे? कहाँ रख दूँ इसको? वहाँ जहाँ पे डरम है ये। हाँ तो क्या करता है? यही ठीक है, वहाँ बंदर आके कब खा के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये तो है थोड़ा यही खिसका दो, और क्या। ये देख दादी, यहाँ पे भी गिरी हुई है। हाँ बहुत है इतनी जगह कूटने के लिए। फ्रूट ही लेके आता हूँ मैं। दादी ये ले, तू झाड़ वाला कपड़ा कहाँ से ढकने के लिए हो जाएगा इससे? मिट्टी गिर जाएगी। और मिल गए आपको? और मिल गए आपको? ये यार ये सब्जी बनाएंगे इसकी। ये कल वाले भी रखे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ है चटाई? ये रही, ये चटाई लेके जाना पड़ेगा मेरे को ऊपर, अभी बताता हूँ किस लिए। क्या डरा सही में? सही है या मजा लेने के लिए? ले दादी फेंको दादा। ये चटाई लगाई है हमने इसलिए कि ये दाल है ना बाहर ना गिरे उछल के। गाँव आके बहुत कुछ देख लिया मैंने इस बार, ये पीसेगी नहीं दाल लेकिन ऐसे। फेंको दादा ऊपर से। कितनी सारी हो गई, एक और चीज नहीं है? ये है, ये है, मिल गया मुझे। हो जाएगा इससे भी काम, इससे हो तो जाएगा। मैं ऊपर चलता हूँ। दादा ये देखो, इस पे वो दो लौकी वहां लटक रही है, एक ये रही, एक वहां बीच में। क्या करें इनका, निकाल लियो? ये का तो सभी लायक है ना भी। बाकी बुद्धि हो गई होगी, एक ये होगी ऊपर, एक ऊपर की तरफ होगी, तो फिर काटेंगे कैसे हम उनको, हमारे पास का है नहीं। चलो और भी एक है यहाँ पे, ये भी ले चलते हैं। आया मैं 2 मिनट में लेके उन्हें। यहाँ कल मैंने पतली सी डंडी रखी थी दादा, कल मैंने यहाँ पतली सी डंडी रखी थी, कहाँ गई वो? ये रही, मिल गई। वाह, ये किस किस के आ रहे हैं? ये तो अपना नहीं है। ओए किसका है तू? डर गया। ये भी हमारा नहीं है, ये तो हमारा है। हमारे बाकी ऊपर है शायद, लेके आना पड़ेगा उन्हें। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे पता बंदर बैठा, यहीं पे था कहाँ चला गया? अरे अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया अचानक से। शायद मेरा वहम होगा, मेरा वहम नहीं था, वो रहा, वहां भाग रहा बंदर। गायें तो अब आ रही है बहुत सारी, ये रही हमारी, ये रही हमारी, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली देखो। चल आजा, अरे आजा, अभी आने को राजी नहीं आगे से। अब पता नहीं कैसे जाऊं मैं वहां पे, रास्ता बनाना पड़ेगा पहले। वो वाला पता नहीं किसका है, मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, मैं खुद इन तीनों को बड़ी मुश्किल से लेके जा रहा हूँ। चल अब आ रहा है वो अपने आप, ये मेरे मार ना दे। चल 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 आजा, ले चलो तुझे भी जल्दी आ, मैं यहाँ चला जाता हूँ। चल नीचे चल नीचे। ये पता नहीं किसकी गाय थी, यहाँ पे चली गई, रास्ता बना बना के निकल ही लेगी वो जहाँ उसे जाना है। चलो चल चल जल्दी चल। A few moments later. वो अपनी वाली, वो ये भी चली गई यहाँ पे। चल चल चल, सीन हो गया, बड़े गंदे वाला सीन हो गया। दादा लपेटेंगे मुझे, कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ। ओह गलत जगह कूद गया मैं। लगी बकचोदी है यार, देखो कहाँ आ गया मैं, मेरी नजर हटी और ये यहाँ से पलट पलट के वापस। चल बार चल बार, हद हो गई ये, वो बहुत पंगा है सही में। चल जल्दी चल, अब ये ना चुप जाए मेरे। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, कमोन कमोन, बड़ा गंदे वाला फंसा मैं। नजर हटी, दुर्घटना घटी सही में। दोनों के दोनों वहां पे चले गए थे, वहां से कूद के गया मैं फिर लेके आया। ने दादा को नहीं बताऊंगा मैं वो वाला सीन, जो गायें चली गई थी ना वहाँ खेत पे, दादा को बताऊंगा तो फिर दादा चमकाएंगे मुझे थोड़ा। अब देखो इन्हें यहाँ खुराक मिल गई है, रुक गए है, अब भागेगा। मेरे पूरे शरीर पे पता क्या लग गया, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, छोटे छोटे कांटे, जैकेट में भी है, टी शर्ट में भी है। क्या रखा है अंदर? घास। यहाँ पर काम अभी भी प्रोसेस में लगा हुआ है। दादा इधर, मैं तुम्हें मस्त चीज दिखाता हूँ,
कहाँ गई वो बढ़िया सी चीज? दादी दिखा। क्या? ये देखो जो हम निकाल रहे हैं ना बहुत देर से, वो रही ये है दाल। गोल्ड निकल रहा है हमारे खेतों से, गोल्ड। क्या बात है, चमत्कार हो गया भैया। अब जल्दी हम बाजार लगाने वाले हैं दाल का। बाजार लगा पूरे भारत देश में हमारे यहाँ से सप्लाई होंगी अब।